जो लीडर आउंदे ने ओहदा लैण वास्ते असी ओहदा छड के आए हाँ, बड़ा ओहदा छड के आए हाँ। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जेतू होणगे, सरकार आम आदमी पार्टी की बनूगी और आम जनता शासन चलाऊगी, साडा यही मकसद है। साडे कोल बहुत पावर सीगा, सानू अपने वास्ते कुछ नहीं चाहिदा। जो तुसी रवायती राजनीति देख रहे हो, रवायती लीडरां नू तुसी देख रहे हो, इन्हां ने डेमोक्रेसी नू हाईजैक कर लिया। पंजाब उड़ता पंजाब बन गया है, उसनू दोबारा रंगला पंजाब बनाउणा है, हसदा पंजाब बनाउणा है, वसदा पंजाब बनाउणा है। विधानसभा चोणां नूं लै के चोण अखाड़ा लगातार भखदा जा रहा है अते इस दरमियान उम्मीदवारां वल्लों नामजदगियां भरन दा दौर भी लगातार जारी है। दस दईए कि अमृतसर दे विधानसभा हलका उत्तरी तो आप दे उम्मीदवार अते साबका आईजी कुंवर विजय प्रताप ने अपने नामजदगी पत्र दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया दी मौजूदगी दे विच नगर निगम दे कमिश्नर अते चोण अधिकारी संदीप ऋषि कोल दाखिल करवाए। इस समय उन्हां दे नाल उन्हां दी धर्म पत्नी अते बेटी भी हाजिर सन। नामजदगी पत्र दाखिल करवा तो बाद हलका उतरी तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुंवर विजय प्रताप ने पत्रकारों नाल गलबात कर दिया की कहा आओ जानते हैं। आज देखो मैं आम आदमी पार्टी दे कैंडिडेट दे रूप दे विच अमृतसर नॉर्थ हलके तो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। मेरे नाल दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी आज आए सन, मैं उन्होंने धन्यवाद करांगा। मेरे नाल मनीष अग्रवाल जी आए ने, गगनदीप सिंह जी आए ने, गुमटाला साहब आए ने, मेरे सारे सहयोगी आए ने, मैं सारिया का धन्यवाद करांगा। रिस्ट्रिक्शन करके, जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस है उस करके बहुत सारे लोग नहीं आए इतने, मैं उन्होंने सारिया का धन्यवाद करांगा और अमृतसर की जनता का धन्यवाद करांगा कि उन्होंने मैनू आज इस काम वास्ते तैयार किया। जो मैं 23 साल नौकरी की एक पुलिस अफसर के रूप दे विच, तो मेरी पहचान बनी और आम जनता ने जिस तरीके दे नाल मेरी ड्यूटी लगाई, पूरे 23 साल में उन्हां दे हिसाब दे नाल मैं काम किया आम जनता दे हिसाब दे नाल, और इस दौरान मैं आम जनता दा दे परिवार दा एक मेंबर बन गया और उस परिवार दे एक मेंबर दे रूप दे विच अमृतसर परिवार ने मैनू आज अमृतसर नॉर्थ तो कैंडिडेट बनाया है और ये इलेक्शन अमृतसर दे लोग लड़ रहे ने, ये अमृतसर दी आम जनता लड़ रही है और बहुत अच्छे तरीके दे नाल तुसी देखो साडा मकसद है। कारण यह है कि लोग आउंदे ने, जो लीडर आउंदे ने ओहदा लैण वास्ते असी ओहदा छड के आए हाँ, बड़ा ओहदा छड के आए हाँ और इन्हां लोकां दे कहण ते असी छड के आए हाँ, क्योंकि जो तुसी रवायती राजनीति देख रहे हो, रवायती लीडरां नू तुसी देख रहे हो, इन्हां ने डेमोक्रेसी नू हाईजैक कर लिया है। तो जो डेमोक्रेसी दी हाईजैकिंग है ना जी, ये हुण नहीं चलनी है। आम जनता ने हुण अपना शासन अपने हाथ दे विच ले लेना है। तो आउण वाला इलेक्शन 20 फरवरी नू इलेक्शन हो रहा है, 10 मार्च नू काउंटिंग होगी, तुसी देख लेना। अमृतसर दी जनता तां देखो भारी बहुमत दे नाल सानू विजयी बनाऊगी, जेतू कराऊगी। दूसरे कैंडिडेट जिहड़े अमृतसर दे विच ने साडी पार्टी दे, उह भी जेतू होणगे। ते नाल ही पंजाब दे विच तुसी देखो 117 सीटां ने, हर सीट ते आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार जेतू होणगे, सरकार आम आदमी पार्टी दी बनूगी और आम जनता शासन चलाऊगी, साडा यही मकसद है। साडे कोल बहुत पावर सीगा, सानू अपने वास्ते कुछ नहीं चाहिदा है जी, लोकां वास्ते लोकां नू कुछ ना कुछ देना है, सिस्टम बनाउणा है, माफिया तंत्र नू खत्म करना है। आज माफिया तंत्र दे हाथ दे विच, गुंडा एलिमेंट्स दे हाथ दे विच शासन चला गया है और उस चीज़ तो मुक्ति दिलाउणी है। पंजाब उड़ता पंजाब बन गया है, उसनू दोबारा रंगला पंजाब बनाउणा है, हसदा पंजाब बनाउणा है, वसदा पंजाब बनाउणा है। थैंक यू वेरी मच। सर आपको नहीं लग रहा सिद्धू साहब और मजीठे साहब अपनी निजी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहांगा दूसरे लीडरों के बारे, क्योंकि देखो पिछले 74 सालों के असं यही वेखते आए हाँ कि एक लीडर दूसरे लीडर के खिलाफ चिक्कड़ उछालते रहे हैं। आज वो एक समा हुंदा सी कि वो एको पार्टी दे विच सीगे जां उन्हां दा आपस दे विच अलायंस सी, बखरे बखरे हो गए ने हुण। तो उन्हां दी आपसी जो लड़ाई है उस दे बारे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं बार बार एको चीज़ दोहरावांगा कि पंजाब दे विच 117 सीट ने, हर सीट दे उते आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार जेतू होणगे। पंजाब दे लोकां ने झाड़ू फड़ लिया जी, टोटल सफाई हो गई। सर मजीठिया साहब को फिर जमानत मांगने लगे, इस बारे में क्या कहना है सर? क्या चीज़ दोबारा दसो? मजीठिया साहब को फिर जमानत मांगने लगे? देखो मैं कुछ नहीं कहांगा जी, ये सारा चीज़ इलेक्शन दे टाइम दे विच जो ड्रग माफिया ने उन्होंने लाभ पहुँचाने वास्ते जो इलेक्शन दे टाइम उन्होंने एक परचा दर्ज किया, उन्होंने पता सी कि कोर्ट कचहरी दे विच इसका सीधा सीधा फायदा मिलना है। उन्होंने ये भी पता सी
कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी सरकार है उन्होंने यह पता सी कि 2022 दे विच मार्च महीने दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनूगी तो उदो जो कार्रवाई होगी जो FIR दर्ज होगा तो ना कोई जमानत मिलनी है ना ही कोई रिलीफ मिलना है तो दोषी नूं बचाउन वास्ते उन्होंने छेती छेती ये सारा काम कर लिया। जो आम आदमी पार्टी की सरकार होंगी तो आज ये सारा कुछ नहीं होना सी। ये सरासर एक अलायंस है आपस दे विच कांग्रेस पार्टी का अकाली दल दे नाल एक हिडन अलायंस जो पहला चलता सी वो हिडन अलायंस हुण बाहर आ गया है। ये सारी कार्रवाई आपस दे विच मतलब एक समझौते के तहत चल रही है। इस करके देखो आम जनता ने यह सारा हिसाब किताब कर देना है। 20 फरवरी नूं इलेक्शन होना है तुसी देख लेना 10 मार्च नूं काउंटिंग होनी है और सारा हिसाब किताब सामने आ जाऊगा जी। थैंक यू वेरी मच। नाल ही तुहानू दस दी कि दिल्ली दे उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया ने कुंवर विजय प्रताप की तारीफ करते हुए यह गल आखी है कि ओह एक ईमानदार छवि दे इंसान है अते उन्होंने जिन्नी देर भी पुलिस दे विच नौकरी कीती है बड़ी ही ईमानदारी दे नाल कीती है अते कुंवर विजय प्रताप एक पढ़े लिखे अते चंगे उम्मीदवार है जिन्हां नूं लोक वड्डी गिनती दे विच वोटा पा के जिताउणगे। D5 चैनल पंजाबी लई अमृतसर तो हरजीत गरेवाल दी रिपोर्ट। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबस्क्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।